वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सेशन 2009-10 का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 5 पार्ट बना चुके हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस को कवर किए हैं, और उसमें मैथ और साइंस के क्वेश्चन थे इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया था। तो आज क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के, और टाइम कम लगेगा क्योंकि इसमें कोई डिस्कशन ज़्यादा होगा नहीं और ना ही मुझे कुछ समझाना होगा, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं समझाऊँगा। तो आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हुआ करें, आप पेशेंस से पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पेशेंस रखना ज़रूरी है, तो इसलिए हम आज स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी स्टार्ट करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आप टेंशन ना लें, मैं सभी क्वेश्चन को कराऊँगा क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू अलग अलग हैं। तो मैं पहले उर्दू करता हूँ। आप ये ना देखें कि इससे पहले 30 से ख़त्म हुआ था, यहाँ पे 46 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन सभी मैं कराऊंगा, 31 भी आएगा क्योंकि 31 इंग्लिश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 ऊपर इंग्लिश है, तो इंग्लिश को मैं बाद में कराऊंगा, पहले उर्दू देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 46 है, नज्म बच्चे की दुआ का शायर कौन है? तो एक नज्म है उर्दू की NCERT किताब में, क्लास 8 की पहली ही नज्म है जिसमें बच्चे की दुआ नज्म का नाम है। इसका शायर कौन है? इसका शायर है अल्लामा इकबाल। ठीक, इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है, आप को याद करना पड़ेगा, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, बुद्ध मजहब की तबलीग किसने की थी? ठीक, तो बुद्ध मजहब की तबलीग अशोक ने की थी, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 48, हकीम अजमल ख़ान कहाँ पैदा हुए थे? हकीम अजमल ख़ान दिल्ली में पैदा हुए थे। और अगला क्वेश्चन है, कानून की जमा क्या है? कानून मतलब लॉ, इसकी जमा क्या है? कानून की जमा कवानीन होता है, जो मैं पहले से टिक कर किया था, किसी ने किया होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, रसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था? एक रसाला है तहजीबुल अखलाक जिसको जारी किया था सर सैद अहमद ख़ान ने, तो इसी भी क्वेश्चन है, तो किसने जारी किया था? तो ये सर सैद अहमद ख़ान ने जारी किया था। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 51 है, साइंस डे किस रोज़ मनाया जाता है? साइंस डे किस रोज़ मनाया जाता है? साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक, कुछ लफ्ज़ों के सामने उनके मुतज़ाद लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सही नहीं है? मतलब मुतज़ाद होता है अपोजिट, मतलब कि जो एक है पहला है उस जो दूसरा है, दूसरा इसका अपोजिट होगा, मतलब कि शुमाल जुनूब, शुमाल होता है नॉर्थ, जुनूब होता है साउथ, तो नॉर्थ साउथ आपस में एक अपोजिट है, नॉर्थ अगर इधर होता है तो साउथ इधर। ठीक, तो ये सही है। और मौत हयात, मौत मिस होता है मौत, जानते ही हैं, और हयात मिस होता है ज़िंदगी, ये भी अपोजिट है एक दूसरे के। खुशी गम, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। मुस्तहकम और मजबूत, मजबूत मिस होता है मजबूत, जानते ही हैं स्ट्रांग। मुस्तहकम होता है किसी भी चीज़ पर कायम रहना, मतलब मुस्तहकम रहना, ये भी मजबूत की तरह ही होता है, अगर देखा जाए तो एक दूसरे के ये सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है, मतलब मुतज़ाद नहीं है। तो मुतज़ाद जो नहीं है वही हमारे टिक करना था, तो मुतज़ाद हमारा बी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 53 है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। आप क्लास 9th में जब आएंगे ना तो रुबाई पढ़ेंगे, कई शायर हैं लिखे हैं रुबाई, 4-4 लाइन में आपको पूरी रुबाई ख़त्म हो जाती है। रुबाई मतलब 4 होता ही है, जैसे अव्वल मीन्स 1 होता है, अरबी की गिनती जो होती है ना रुबा, रुबा मीन्स 4 होता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 54, सर सैयद का सन पैदाइश क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान का सन पैदाइश 1817 है। आप आगे या इतना भी याद कर सकते हैं कि 17 अक्टूबर 1817 है। ठीक, और अब देखिए यहाँ से उर्दू तो ख़त्म हो गया, उर्दू ख़त्म नहीं हुआ है, ये कुछ अजीब टाइप का पेपर था, आगे फिर उर्दू का क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो जो आ गया उसको हम कवर कर देते हैं। 55 देखते हैं, रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस सूरदास ने लिखा था। 56 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पुलिंग और स्त्रीलिंग जोड़ों में कौन सा गलत है? स्त्रीलिंग पुलिंग जोड़ा दिया गया है, जैसे ऊपर मुतज़ाद के जोड़े दिए गए थे इसी तरह यहाँ भी दिया गया है, और कौन सा गलत है ये पूछा है। नर नारी, देवता देव देवता, युवक युवती, नेता नेत्री। तो नर नारी तो सही लग रहा है, नर पुलिंग हो जाएगा नारी स्त्रीलिंग, युवक पुलिंग, युवती स्त्रीलिंग, नेता पुलिंग, नेत्री स्त्रीलिंग, ये भी सही है, और देव
देव और देवता है, तो दोनों पुल्लिंग हो गए, तो यही हमारा गलत है, हमें कौन सा निकालना था गलत, तो यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप टिक इस पर लगा हुआ देखकर कंफ्यूज ना हो, जो सही ऑप्शन है वो बी है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य लिंग संबंधी दोषी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कल मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 58 है। नीचे मुहावरों के अर्थ दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? ठीक, पहला ऑप्शन देखते हैं, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना मतलब थक जाना, सही है। आगे पीछे करना मतलब चापलूसी करना। उगल देना, सब बातें कह देना। इतने मुहावरे जो थे सही थे। और किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा उसी कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ता लिखता है। तो यहाँ पे लिखा है अनपढ़, तो अनपढ़ जो ज़्यादा पढ़ता है वो अनपढ़ थोड़ी ना होगा। किताबी कीड़ा अनपढ़, ये गलत है। हमें हमें जो है गलत चुनना था, तो यही हमारा गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, हमारा 58 का ऑप्शन डी सही है। 59 क्वेश्चन है, वाक एक वाक पूरा दिया, पढ़ते हैं। कुरान एक शुद्ध पुस्तक है, कुरान शरीफ एक शुद्ध किताब है, तो ये शुद्ध जो है, ये शुद्ध क्या है? शुद्ध देखो कुरान की क्वालिटी बता रहा है यहाँ, कुरान एक पुस्तक है उसकी क्वालिटी बता रहा है कि शुद्ध है। तो शुद्ध क्वालिटी क्या होती है, विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन विशेषण सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सा हर्ष सूचक है? हर्ष में होता है खुशी, मतलब कौन सा ऐसा वाक्य है जो हर्ष खुशी को जाहिर करता है? जैसे यह क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन मतलब ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। ठीक, और वाह तुमने कमाल कर दिया, ये एक्सक्लेमेशन का सब है, और यहाँ पे हर्ष लगा मतलब कि खुशी जाहिर कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, 60 का बी। तो हम जो अभी तक सॉल्व कर रहे थे वो था एडवांस उर्दू विद कंपलसरी हिंदी, अब जो सॉल्व करेंगे वो आएगा एडवांस हिंदी विद कंपलसरी उर्दू, वो भी क्वेश्चन नंबर 46 से ही स्टार्ट होगा, तो अब उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ऊपर लिखा है एडवांस हिंदी विद कंपलसरी उर्दू, ठीक, इसके पहले था एडवांस उर्दू विद कंपलसरी हिंदी, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 46 से ही है, और ये भी सेशन 2009-10 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, यह रचना किस कवि की है? अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया हूँ। क्लास 8 की हिंदी एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो एक कविता मिलेगी जो जिसको निराला ने लिखा है, निराला पूरा नाम आप लोग देख लीजिएगा, ये कविता निराला ने लिखी है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदरता और स्वभाव, प्रसन्नता एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें, फील कर सकें, वो भाववाचक संज्ञा होती है। और जो ये नाजुक है इसको हम फील नहीं कर सकते, जैसे कोई चीज़ नरम है, नाजुक में बहुत नरम, तो बहुत मुलायम, तो मुलायम ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन 47 का बी हो जाएगा। 48 देखते हैं, पत्र को उत्तरम किस भाषा में कहा जाता है? तो पत्र को उत्तरम जो है तेलुगु भाषा में कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर जो सेशन 2009-10 का है, और इसके पहले 11-12 के हैं, 14-15 के हैं, तो तब क्वेश्चन हार्ड आते थे, अब उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, अब आसान क्वेश्चन आते हैं ये सब नहीं। तो पत्र को उत्तरम किस भाषा में कहा जाता है, कि हम लोग तेलुगु पढ़ते हैं, कि हम लोग तेलुगु का आंसर देंगे, तो इस तरीके से पहले आ जाता था लेकिन अब नहीं आता है। ठीक, आप लोग टेंशन ना लें, ये मत सोचे कि मैं आपको ये हिंदी और इंग्लिश डिटेल में नहीं बता रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, तो जो डिटेल में बताने वाली चीज़ है मैं आपको बताऊँगा, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अतिष्ठी ये जो लिखा है ये पुल्लिंग नहीं, इसका मतलब होता है सुपरलेटिव, ये पुलिंग नहीं है, बाकी सब नौकर, दिलासा, जुगाड़, ये सब सब पुलिंग है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा शब्द नगीना का पर्यायवाची है? नगीना में से होता है सुंदर, तो सुंदर पर्यायवाची में से होता है कि सेम मीनिंग जो बताए, तो नगीना भी एक सुंदर, नगीना अगर देखें सुंदर तो होता है ना, तो नगीना और सुंदर ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 51 अगर देखें, तो निम्न में से कौन सा चरित्र बाज पक्षी के चरित्र का चित्रण नहीं करता है? तो सिंपली अगर हम क्वेश्चन को देखें, तो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो बाज पक्षी की क्वालिटी को नहीं बताता है? तो सी अगर देखें, अगर भाग दौड़ से दूर रहना, दूर दूर तक उड़ता उड़ान भरना, ये सब तो बाज पक्षी का काम है, आकाश में उड़ने का आनंद लेना ये भी बाज इसका काम है, लेकिन आरामदेह और सुरक्षित जगह छिप जाना ये
बात पक्षी का काम नहीं है, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्याकरण की दृष्टि से उड़ाना कैसा शब्द है? उड़ाना, उड़ाना फ्लाई में से उड़ाना होता है। तो उड़ाना एक काम है, किसी भी काम को अगर डिस्कस किया जाए, उड़ाना, चलना, नाचना, गाना, ये सब क्रिया जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जो ये पूछा है कि व्याकरण की दृष्टि में उड़ाना कौन सा शब्द है, तो ये क्रिया है। तो अगर हम ग्रामर की दृष्टि से देखें तो ये वर्ब है, ठीक, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित विपरीतार्थक शब्द जोड़े में दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जितने भी जोड़े में क्वेश्चन आते हैं वो तीन ऑप्शन होते हैं, उसमें से यही पूछता है कि कौन सा सही नहीं है। आपको ये नहीं लगाना कि जो सही उसको टिक कर दें। तीन ऑप्शंस आपको सही मिलेंगे और एक गलत रहेगा, आपको उसको टिक करना होगा, ठीक, ये ख्याल रखना। क्योंकि मैं तीन चार क्वेश्चन देख चुका हूँ, यही आता है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है, हमेशा यही आता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दिन रात, ये देखो विपरीतार्थक मतलब मुतजाद यानी कि अपोजिट, तो दिन रात आपस में ये अपोजिट हैं, सही है। श्वेत श्याम, श्वेत मिस होता है वाइट मतलब सफ़ेद, वाइट, और श्याम मिस होता है काला, ठीक, ये काला सफ़ेद, ये भी आपस में अपोजिट हैं। और शीत उष्ण, शीत मिस होता है ठंडा, इसको कहते हैं कोल्ड, और उष्ण मिस होता है हॉट, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन एक मधुकर और भ्रमर, भ्रमर एक भौरा होता है, मधुकर भी एक मधु मक्खी की तरह होता है, लेकिन दोनों आपस में सिमिलरिटी अख्तियार करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। जिस बात को मैं ख्याल रखने को बताया हूँ, आप लोग इस बात का ख्याल ज़रूर रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा धर्म गुरु गुरु नानक के समकालीन थे? कौन सा धर्म गुरु गुरु नानक के समकालीन थे? तो गुरु थे तुलसीदास, ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, उर्दू स्टार्ट हो गया है, गलत बयान का इंतखाब कीजिए। पहला है बीबी फातिमा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी, यहाँ रहमतुल्लाह अलैह लगा है, हालांकि हम हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कह सकते हैं और कहते भी हैं, तो जो लिखा है रहमतुल्लाह अलैह मैंने कह दिया। तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी, ये सही है। बीबी फातिमा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी, ये भी सही है। हज़रत ज़ीनत बीबी फातिमा की बेटी थी, ये भी सही है। बेबी फातिमा का इंतकाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो गया था, ये ऑप्शन गलत है, हमको गलत का इंतखाब करना था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये नज़्म किस शायर की है? एक नज़्म है, ए आब रोद गंगा ओ दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ये मिलती जुलती लाइन है, जैसे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये वही नज़्म है जिसको अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये नज़्म अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कुछ लफ्ज़ों के मुतादात उसके सामने दिए हुए हैं, उनमें कौन सा गलत है? फिर वही आया कि कौन सा गलत है, तीन सही होंगे या गलत होगा। जैसे गुरबत अमीरी, गुरबत मीन्स गरीबी, अमीरी, ये सही है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और रात दिन, ये भी एक दूसरे के अपोजिट, ये भी सही है। दुश्मन दोस्त, ये भी एक दूसरे के अपोजिट, ये भी सही है। यानी कि तीन सही होगा, एक हमारा गलत होना ही है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58, नीचे वाहिद और जमा के जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? फिर देखो इसमें से कौन सा गलत है, ठीक। तो ज़ईफ़ ज़ईफ़ों, ये सही है। वतन वतनों, ये भी सही है। नदी नदियों, ये भी सही है। किताब किताबें, किताब की जमा होती है कुतुब, ठीक, किताब की जमा होती है कुतुब, ना कि किताबें। तो यही हमारा गलत था, कौन सा गलत है, ऑप्शन सी इज सही, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, तमिलनाडु दिल्ली के किस सिंध वाक़े हैं? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु दिल्ली के किस डायरेक्शन में है, तो किस साइड है? शुमाल, मगरिब, जुनूब, मशरिक, ये आप याद कर सकते हैं। शुमाल जैसे हो गया नॉर्थ, जुनूब हो गया साउथ, मगरिब, मशरिक, इसका भी इंग्लिश आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा दिल्ली के साउथ में है, तो आप इसको कह सकते हैं कि तमिलनाडु दिल्ली के जुनूब में है, ठीक, जुनूब के सिंध वाक़े हैं। तो 59 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, तराना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस शायर ने लिखा है? तो
एमयू का ताराना लिखा है असरारुल हक मजाज ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ से तो हम इसको पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ बचा है इंग्लिश का क्वेश्चन, तो उसको